हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको जो है टोटल क्लासें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि कुछ स्पेशल क्लास आपको जो है देखने मिलेंगी, जो कि पॉलिटी वगैरह और भी कई सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो कि इन्हीं सारे सब्जेक्टों से अलग होंगे। ठीक है, मैथ की क्लास, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, ये तो आपको क्लास डिटेल वाइज मिलती है। इसके अलावा भी आपको कुछ स्पेशल क्लास देखने को मिलेंगी। चलिए आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा, हम सबसे पहला आज क्या पढ़ेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर ले लेता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कैसे बना भारत का संविधान। भारत का संविधान, देखिए कैसे बना भारत का संविधान, इस चीज़ को हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, इसमें जो थे 296 लोग चुने हुए, ठीक है, चुने हुए 296 लोग इसमें शामिल हुए, और ये लगभग 3 साल का समय लगा इसमें। लगभग कितना? 3 साल का, जिसमें कि अगर हम पूरी बात करें तो 2 साल 11 माह और 18 दिन का जो है इसमें एग्जैक्ट जो है समय लगा। 12 सत्र बुलाए गए हुए यहाँ पर, कितने? 12 सत्र हुए, ठीक है। और बात करें 12 सत्र, इसके बाद में जो है 167 बैठकें, ये आपको ध्यान रखना, कितनी? 167 बैठकें जो हुई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए ये चीज़ तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है कि किस तरीके से जो है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में, इसके बाद में एक पॉइंट आपको याद रखना है, संविधान के अंतर्गत काम करते हैं शासन और प्रशासन। इसके संविधान के ये आप हेडिंग जो चीज़ में लिख रहा हूँ ये आप अपने पास भी नोट करते रहें। संविधान के अंतर्गत ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत से जो है हमने इसके बारे में जानकारी निकाली है, निकालने के बाद में आपको हम इसके इसे जो है पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। करते हैं कौन? शासन और प्रशासन। कौन करते हैं? शासन और प्रशासन, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि संविधान के अंतर्गत जो काम किया जाता है वो कौन करता है? शासन और प्रशासन। सरकार या न्यायालय के फैसले संविधान के अंतर्गत होते हैं। अगर हम बात करें संविधान के फैसले, संविधान के अगर फैसलों की बात करें हम फैसले, ठीक है, अगर हम संविधान के फैसलों की बात करें तो ये जो होते हैं ये संविधान के जो है एक तरह से संविधान के अंतर्गत ही होंगे, मतलब संविधान से बाहर नहीं हो सकते इनके फैसले, ठीक है। आप क्या समझेंगे कि संविधान के बाहर फैसला नहीं हो सकता, संविधान के अंतर्गत ही फैसला होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, दूसरा पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संविधान के मुताबिक ही देश में हर काम होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे आप? संविधान के मुताबिक ही सभी काम होते हैं। ठीक है, जो है सारे जो है काम जो होते हैं संविधान, हर व्यवस्था संविधान के अनुरूप हो, ये कौन तय करता है? हर व्यवस्था संविधान के अनुरूप हो, मतलब उसके जो है खिलाफ ना हो, ठीक है, ये कौन तय करता है? ये करता है आपका कोर्ट तय करती है। कोर्ट क्या कौन करती है? कोर्ट तय करती है, ठीक है। कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं हम ऋग्वेद अर्थवेद में भी शासन के लिए व्यवस्था का जिक्र किया गया है। ये आपका जो है शासन, जो अगर हम बात करें शासन की, इस शासन व्यवस्था की, अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो ये हमारा जो है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद हो गया आपका और अथर्ववेद हो गया, तो इनमें सब में जो है इसका जिक्र किया गया, ठीक है, मतलब इसका वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेख में भी जो है शासन व्यवस्था पर जो है जोर दिया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से हमें शासन व्यवस्था के जो है साथ काम करना चाहिए, शासन के खिलाफ हमें कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें सारी इन चीज़ों के बारे में बताया गया। आज़ादी के समय सभी बड़े स्वतंत्र सेनानी कानून के जानकार थे, उन्होंने ये महसूस किया कि
भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की जरूरत है, ठीक है। जो जो सभी जितने भी आजादी के समय जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी मतलब जो भी नेता थे, उनको जो है एक महसूस हुआ कि भारतीय लोगों के लिए जो है एक संविधान बनने की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि लोगों में मतभेद ना हो और अपना एक शासन प्रशासन को चलाने के लिए एक नियम बन जाए, ठीक है। संविधान क्या क्यों बनाया गया था? देखो, संविधान इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये हमारे पास एक लिखित साक्षी हो जाएगा और एक लिखित दस्तावेज हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि हम अगर कभी किसी के मान के चलेंगे, अगर हमारे साथ में कोई गलत करता है तो उसका पता कैसे चलेगा कि ये किस इसको क्या सजा मिलना चाहिए इस काम के लिए। तो अगर हमारे साथ में कोई अपराध करता है या हमें जो है किसी चीज़ से जो है हमारे कोई मौलिक अधिकार पे या फिर किसी का भी हनन होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है यहाँ पे शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है संविधान बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे जैसे हमारे साथ में ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज़ों ने जैसे जैसे हमारे साथ में अत्याचार किए हैं, तो उसको हमें जो है एक भेदभाव हुआ हमारे उसमें, कि अगर हम जाति के हिसाब से भेदभाव हुआ करता था, सारी चीज़ें हुआ करती थी, उसी चीज़ को दूर करने के लिए जो है संविधान का निर्माण किया गया। इसी चीज को दूर करने के लिए जो है संविधान का निर्माण किया गया और उसी से को ही शासन और प्रशासन जो है उसको जो है मान्यता देती है, ठीक है। वे चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों की संविधान सभा का गठन हो, और अंग्रेज सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी। तो 1935 में अंग्रेजों ने इस मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से भारत शासन अधिनियम, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये इन्होंने जो है शासन जो हम मांग कर रहे थे संविधान की, इस मांग को खत्म करने के लिए मतलब शांत करने के लिए एक भारत शासन अधिनियम पास किया, और वो लागू करने के लिए जो है कांग्रेस ने इसका ये कहकर विरोध कर दिया कि भारत के लोगों ने इसे नहीं बनाया है, हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। कांग्रेस के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, ठीक है, कड़ा विरोध किया और कहा कि हम जो है इस अधिनियम को नहीं मानेंगे। फिर क्या हुआ, आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो है भारत की आज़ादी की संभावनाएं बढ़ने लगी। कब? सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो था भारत की जो है आज़ादी की संभावनाएं बढ़ने लगी। उन्होंने कहा था कि भारत के लोग जो हैं हमारा साथ देंगे, तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, और मतलब उसकी वजह से जितने भी कांग्रेसी थे उन्होंने क्या करा, अपना त्याग पत्र दे त्याग कर दिया, अपना त्याग पत्र दिया। और देने के बाद में फिर उन्होंने कई सारी चीज़ें, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कई सारी चीज़ें आपको समझाई थी कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है इसकी जो है मांग की जा रही थी, और वो हमसे क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे लिए तुम जो है तुम हमारे लिए लड़ो और हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो गांधी जी ने कहा ये तो आप पहले से कहते आ रहे हो, इसके अलावा कुछ आप बताओ। तो फिर तभी भी इन्होंने जो है ये एक इनकी सोची समझी चाल थी। पर अगर बात करें हम लेमेंटियर की, लेमेंटियर ने जो है कहा था, क्या कहा था लेमेंटियर ने, कह कहा था कि आपको जो है आज़ादी मिल जाएगी, वो डेट उन्होंने बताई थी, ठीक है। अब क्या होता है, संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा में पहले जो थे, अब इस चीज़ को जो है फिलहाल तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है आज़ादी की जो है संभावनाएं खुल गई थी। खुलने के बाद में क्या होता है, संविधान सभा में जो है पहले कितने लोग थे, 389 लोग जो है चुने गए थे, जिसमें के असेंबली में चुनकर आए थे, जो कि सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे से संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने यह कहकर बहिष्कार किया, मतलब मुस्लिम लीग ने इसका ये कहकर बहिष्कार किया और इसका विरोध किया कि संविधान सभा की कुछ 165 मतलब ये कहकर विरोध किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाए। मुस्लिम लीग ने क्या ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो है संविधान सभा, ये जो संविधान है मुस्लिम लोगों के लिए जो है अलग देश का जो है अलग देश बनाया जाए, जिसको पाकिस्तान की मांग कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले। संविधान सभा की कुल अगर बात करें, हम संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें होनी, कुल कितनी बैठकें जो हैं
165 दिन बैठकें हुई, जिसमें संविधान सभा का अध्यक्ष जो है तो कौन थे, संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी सदस्य थे, और अस्थायी की बात करें सचिनानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी की बात करें तो सचिनानंद सिन्हा थे। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में क्या हुआ है, इसके बाद में अगर हम बात करें संविधान सभा के सलाहकार सर वेनियल नरसिंह राव थे, जो के सब दूसरे देशों में जा जाके उन्होंने क्या करा, देशों में गए और जाने के बाद जो है एक संविधान के और जो है दूसरे विदेशों के जो संविधान थे उनको उन्होंने खंगालना शुरू करा, देखना शुरू करा कि यहाँ के संविधान में क्या है, और वहाँ से जो है इन्होंने एक ड्राफ्ट इन्होंने जो है संविधान के जो है उनमें से लिया, और लेने के बाद में बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया और विदेशों में जाकर संविधान की चर्चा की, और अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया। पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया 1947 में। कब? 1947 में पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया। ठीक है, सर वेनियल नरसिंह राव ने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सुदभुत करके जो है सारे जहाँ जहाँ वो गए, जिस जिस देश में गए वहाँ पे उन्होंने उनके संविधान को पढ़ा देखा, और वहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ली। फिर ये ड्राफ्ट भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, अध्यक्ष थे इसके भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, जिसमें कि 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्यीय कमेटी को ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। ड्राफ्टिंग ड्राफ्ट सौंपा गया, तब राव ने जब तरफ से तैयार किया ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी, यह आप डेट याद रखें थोड़ा सा, 21 फरवरी 1948 में, सही है, 21 फरवरी 1948 में जो है को ड्राफ्टिंग कमेटी ने नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। ठीक है, ऐसा हुआ जब ड्राफ्ट बनाया तो उसमें कुछ कमियां लगी, फिर दोबारा एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया जो कि इन्होंने सौंपा, और सौंपने के बाद में लोगों ने सुझाव मांगे गए जिसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। लोगों से क्या कहा, उनसे सुझाव मांगे गए कि भाई ये आपको जो है हमने जो संविधान या फिर ड्राफ्ट हमने तैयार किया है क्या ये सही है, तो उस पर सुझाव मांगे गए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव की गई। बदलाव करने के बाद में 4 नवंबर 1948 को, कब? 4 नवंबर 1948 को, 1948 को बदला हुआ ड्राफ्ट संविधान सभा में रखा गया। इस तारीख को जो है जो बदला बदला गया था ड्राफ्ट, वो जो है संविधान सभा में रखा गया। रखने के बाद में बहस हुई, इसके अगले साल तक संविधान निर्माताओं ने एक एक करके प्रावधानों पर विचार किए, विस्तार से विचार चर्चा की, वो कहा क्या इसमें जो है क्या नहीं करना है। इसके बाद में जो है 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो है को ड्राफ्ट को संविधान सभा में जारी की लाया गया, और जिसमें कि 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को जो है संविधान सभा की बैठक हुई, जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया मिला इसी दिन इसी बैठक में, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान की पूरी तरह लागू हो गया। तो यहाँ तक जो था हमारा संविधान कैसे बना क्या हुआ, मैंने आपको जो है कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप जो है रिवाइज करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, संविधान की अगर हम बात करें, संविधान के विशेषताओं की, संविधान की विशेषता भी हम की भी बात करेंगे, संविधान की अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें तो संविधान की विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें आएंगी। संविधान में बदलाव के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी था। संविधान में क्या होना जरूरी था, संविधान में अगर बदलाव है, बदलाव अगर आपको करना है तो क्या होना जरूरी है, क्या आपके पास 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी है, 2/3।
ठीक है, दो तिहाई बहुमत होगा तभी आप जो है संविधान में जो है संशोधन कर सकेंगे। संविधान का संशोधन जो होता है वो कौन से 368 में, ठीक है, संविधान का जो संशोधन होता है वो 300, और जो संविधान में संशोधन करोगे तो बस ये ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट जो है आपके, इसके जो मौलिक बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, मतलब उसके उसका जो हनन ना हो, ठीक है, तब तो आप जो है इसको जो है बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में संशोधन के लिए राज्यों से मंजूरी लेना जरूरत है। देखो कुछ संशोधन ऐसे होंगे जिसमें राज्यों से मंजूरी लेना पड़ेगी आपको, ठीक है, क्या लेना पड़ेगी, मंजूरी लेना पड़ेगी राज्यों से। तो आप ध्यान रखें कि कुछ कुछ संविधान के संशोधन ऐसे हैं कि आपको राज्य से मंजूरी लेना पड़ेगी। अब तक संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें कि 126वां संशोधन कौन सा था बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद में जो है आप हमें ये कमेंट्स करके बताएं क्या कौन सा 126वां संविधान संशोधन कौन सा हुआ, ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कौन सा हुआ। साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है संविधान में संशोधन, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा कर सकते हैं आप, कैसे, साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत। और दूसरा जो है देखो लिखने में ना थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें बस आपको जो है मुँह ज़बानी बता देता हूँ, अगर मैं लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा समय का जो है ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुसमर्थन के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, एक तो साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, या फिर आप विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति पर, ठीक है। ब्रिटेन में केंद्र शासन, ब्रिटेन में जो है आप क्या है, ब्रिटेन में जो है केंद्र शासन है, जो केंद्र के प्रतिनिधि काम करते हैं राज्यों में, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है केंद्र के पास जो है सारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, केंद्र के पास से जो शक्ति होती है वो राज्यों के पास होती है उसके पास में, ठीक है। पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में क्या होगा, केवल केंद्र के पास ही शक्ति होगी, और यही अपना यहाँ पर प्रतिनिधि जो है राज्यों में जो है प्रतिनिधि छोड़ेंगे, ठीक है, इनके प्रतिनिधि काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सरकार काम करती है, वहाँ प्रतिनिधि काम करते हैं, ये डिफरेंस है आपका ब्रिटेन में, ठीक है, कहां पे, ब्रिटेन में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, देखिए भारत में संघीय ढांचा तो है लेकिन उसका झुकाव केंद्र की ओर है। बात तो अगर की जाए ढंग की तो यही है कि संघीय ढांचा तो है पर उसका झुकाव जो है वो केंद्र की ओर है। क्यों है, क्योंकि भाई जो भी अगर कोई भी राय लेना होगी या कुछ भी करना होगा राज्य को तो वो केंद्र से ही लेगा। तो यही बात की गई है कि संघीय ढांचा तो है पर जो है उसका जो है विशेष जो विशेष जो रखा गया है वो क्या है, वो केंद्रीय है, ठीक है। इसी वजह से राज्य अपना कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं, लेकिन अगर केंद्र चाहे तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से जो है राज्य अपना कानून बनाते हैं, राज्य क्या करते हैं, अपना कानून बनाते हैं, और कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं, मतलब सरकार चलाते हैं, लेकिन अगर चाहे तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। कौन सी सरकार को, राज्य सरकार को, किसके कहने पर, राष्ट्रपति भाई बर्खास्त कर सकती है और राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था, बिल्कुल बात सही है कि भारत में जो है आपको एकल नागरिकता मिलेगी, और दिन डबल नागरिकता आपको कहाँ मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, कहाँ, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में आपको मिलेगी डबल नागरिकता, जिसमें कि स्टेट की अलग लेना पड़ेगी आपको और अमेरिका की अलग नागरिकता लेना पड़ेगी। पर ऐसा भारत में नहीं है, भारत में बस एक ही नागरिकता है, जो कि आप अगर आपने अगर राज्य में कहीं रहते हो तो आप किसी भी राज्य में जा सकते हो स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, और काम भी कर सकते हो, अपना कुछ भी कर सकते हो। बस जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे नियम थे पहले कि आप जो है यहाँ नहीं, ऐसे इस तरीके से नहीं जा सकते, नहीं रह सकते, और वहाँ पर अपना कोई भी काम धंधा इस तरीके से, या जमीन नहीं खरीद सकते, तो अब वहाँ पर भी इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ पर भी आप
ले सकते हो, खरीद सकते हो कोई भी जगह, ठीक है। इसी तरीके सभी लोग भारत के नागरिक राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब सभी लोग भारत के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है। कहने का मतलब ये, जो भारत के राज्य का अब उसके लिए अलग अलग कोई भी आपके लिए एक नियम नहीं है, ठीक है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो राज्य के भी निवासी होंगे, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को जो है कहा गया कि भारत के नागरिक हैं आप, राज्य के नहीं। कहीं भी किसी भी राज्य में आप जाओ, काम करो, ऐश करो, मौज करो, ठीक है, घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं। देश के सभी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में आने जाने से और बसने से काम करने की स्वतंत्रता हासिल है। 18 वर्ष के लोगों को मत का अधिकार दिया गया है। 18 वर्ष के जो वयस्क हैं से ऊपर जितने भी 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो अपना अब वोटिंग कर सकते हैं। पहले ये 21 साल थी, ठीक है, अब इसको घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। अब जो है 18 वर्ष अगर है उसकी उम्र और उसके पास अगर पहचान पत्र है तो वो जो है वोटिंग कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति और संसदीय दोनों प्रणाली हैं। देखो राष्ट्रपति भी, एक तो हो गया आपका राष्ट्रपति, ठीक है। संसदीय प्रणाली का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एक हो गया आपकी राज्यसभा, एक हो गया आपकी लोकसभा। तो ये आपके इसके बारे में बताया गया है, बताया है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रपति संविधानिक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन इस देश का नेतृत्व संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन पाने वाले पीएम करते हैं। देखो ये होते हैं नाम मात्र के, ठीक है, ये नाम मात्र के जो काम करते हैं, जो काम है सबसे ज़्यादा वो किसका, पीएम का, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होते हैं शक्तियाँ उनके पास होती हैं, ये नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं एक तरह से, ठीक है। बाकी शक्तियाँ सारी किसके पास होती हैं, वो पीएम के पास होती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां होती हैं, मतलब बहुत सारी शक्तियां जो है, जैसे यहाँ पे पीएम के पास होती हैं, और अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में जो है सारी शक्तियां किसके पास होंगी, वहां के जो है पीएम, वहां के जो है राष्ट्रपति के पास होंगी। किसी भी नागरिक को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन भारत में संसदों के बीच से ही मंत्री चुन के आते हैं। वहां पर किसी भी नागरिक को अगर चाहे राष्ट्रपति तो उसको मंत्री बना सकता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यह जो है पब्लिक के द्वारा वोटिंग की गई है, पब्लिक के द्वारा वोटिंग की गई है, जिसे बहुमत प्राप्त हुआ जिस पार्टी को, उसको जो है मान के चलें उसमें से एक बंदे को पीएम बनाया गया है, ठीक है। अब उसमें से जो और बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको क्या बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है, मंत्री बनाया जाता है। इसका कुछ परसेंटेज होता है शायद, अगर आपको पता है कितना परसेंटेज होता है मंत्रियों का तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। न्याय न्यायपालिका संसद की शक्तियां तय करती है, और संविधान न्यायपालिका के पास हर कानून की समीक्षा का अधिकार होता है। अगर कोई कानून संविधान के दायरे से बाहर है तो उसे निरस्त कर सकती है। अगर कोई भी संविधान ये वो अगर कोई भी कानून संविधान के दायरे से बाहर है तो उसको क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है, ठीक है। और होना भी चाहिए, अगर कोई संविधान के बाहर, अगर उसके दायरे से बाहर अगर आता है कोई भी कानून तो उसको तो निरस्त होना ही चाहिए, ठीक है। न्यायपालिका की विशेषताएं देख लेते हैं हम। न्यायपालिका की विशेषताएं देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है। न्यायपालिका की विशेषताओं की बात करें, न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दखल के अपना काम करे, ठीक है। सबसे बड़ी संविधान की विशेषता है मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार का सरकार द्वारा हनन होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अगर आपका मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं, और वहां पर जो है आप इसके लिए जो है अपील दायर कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।